हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और सुबह अभी लगभग 10-11 बजे सुबह के, और सुबह सुबह तुम्हारा भाई लेके पूड़िया घूम रहा है। पूड़िया है कचौड़िया? पूड़ी कचौड़ी कुछ तो है, ठीक है। मम्मी ने बना के दिया भाई। आज आखिरी श्राद्ध है। सब श्राद्ध आपको पता ही है, खाना खिलाना पड़ता है कुत्ते को, कौए को, और क्या कहते हैं, गाय को। तो अभी मैं सीढ़ियों में जस्ट उतर ही रहा था तो कुत्ता मेरे को यहीं पर मिल गया, पूड़िया। तो गाइस देखो, आपके सामने जो एरिया दिख रहा है ये कौओं के लिए अलग से बना रखा है। अभी कौवे लेकिन बाहर घूम रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ जो एरिया ना, ये मतलब आपके इनका क्या कहते हैं इनको, अरे जो उड़ रहे हैं ये कबूतर और कौवे, क्योंकि बाहर की तरफ ना कुत्ते सारा खाना खा जाते हैं, तो इनका खाना जो होता है ना वो हम अंदर ही डालते हैं इसके बाउंड्रीज के अंदर, ताकि कुत्ते जो है ना इनका खाना ना खा पाए। यहाँ पे इनके लिए हमेशा खाना रहता ही है, सोसाइटी वालों ने अलग से बना रखा है इनके लिए। तो भाई देखो, गाय भी पकड़ ली है, मतलब गाय पकड़ी नहीं है, गाय ढूंढने के लिए मुझे बहुत दूर आने पड़ा घर से। तो यहाँ पे भाई हमने गाय को भी पूड़ी खिला दी है, गाय को तो हमने खिला दिया खाना, और अब मैं आ गया हूँ अपने रिश्तेदारों के घर पे सरप्राइज विजिट के लिए। और सरप्राइज विजिट करते के साथ ही सबसे पहले मेरी सरप्राइज विजिट कर रही है यहाँ का इनका कुत्ता। आइए देखते हैं रिश्तेदारों के घर में क्या चल रहा है। गाने बज रहे हैं गाइस यहाँ, और यहाँ पे जॉब पे जाने की तैयारी चल रही है। ये बंदा जीवन भर वैलोरेंट ही खेलता रहता है। अरे हेलो। तो गाइस यहाँ पे हमारे घर का सबसे होनहार खिलाड़ी कपड़े धोने में लगा हुआ है, चिंकी इसका पूरा मजा उठा रही है। हैं कपड़े गंदे, अरे कहाँ भाग रही, इधर आ, कपड़े धुला उसके साथ, चल चिंकी कपड़े धुलवा, चलो उसके साथ कपड़े धुलवा उसके साथ। गाइस ये कोई काम नहीं करती, बस काम बिगाड़ती है। तो गाइस बाकी जो रिश्तेदार हैं वो रसोई के अंदर कुछ कुछ बनाने में लगे हुए हैं। अभी क्या बना रही है? सब्जी बना रही हूँ, तोरी की। तोरी की सब्जी बना रही है? तो तू हमारे साथ घूमने भी जा रही ना फिर? अच्छा कहाँ जा रहे हो? जाएंगे हम, कहीं भी जाएंगे भाई। कहाँ जा रहे हो? कहीं तो जाएंगे। हाँ तो चलूंगी सब्जी बना के, घूमने के नाम पे सब चल रहा है। गाइस इस छोटी सी लड़की को देखो, इसके अंदर कितना दिमाग है। कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ के इसमें से सामान निकाल रही है ये, और लोग छोटे बच्चों को पागल समझते हैं। इसको दिमाग देखो। ये जो आप पीछे औरत देख पा रहे हैं हमारी जीजी है, ठीक है, और ये इस घर की प्रधान अध्यापक है, ठीक है। इनके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस अभी गाय का और कुत्ते का और कौवे का खाना हो गया है, अब खिलाना खाना का इस क्या कहते हैं गार्ड्स को, तो उसके लिए जा रहे हैं मैं और मम्मी हमेशा की तरह। अब सभी का खाना हो चुका है, गाय का, कुत्ते का, और क्या कहते हैं गार्ड्स का, कौवे का, बस हमारा खाना रह रहा है, ठीक है। तो अभी या तो मैं भी खाऊंगा, वरना फिर अभी घर से निकलेंगे। पूरी सब्जी बना रखी है मम्मी ने, मन करेगा तो खा लेंगे। मैं मम्मी खाऊँ या बाहर जाके खाऊँ? मम्मी कह रहे जहाँ तेरा मन करे भाई। मम्मी बोलती नहीं है मेरी, प्यारी सी है। तो गाइस घर से अब हम निकल गए हैं, फाइनली सारा काम हो गए हैं घर के। अब चलते हैं रिश्तेदारों के पास, रिश्तेदारों को पकड़ते हैं चल के। अभी हम निकलने के लिए तो रेडी हो गए हैं, सवारी हमारी रेडी हो गई है। ये हमारी भाई की लड़की है, पीछे हमारी जीजी की लड़की है, बीच हमारी चिंकी बैठी है, और ये हमारा जीजी का लड़का बैठा है, ठीक है। ये सब तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन, पर मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है इनके ऊपर, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है। जानते हैं ठीक है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हम पहले भाई एक घंटा वेट करा दिया इन्होंने मेरे को। मैं इनके घर एक घंटे पहले आया था, लड़के का टाइम लगाया था, और इसने उसने टाइम नहीं लगाया, चिंकी ने भी टाइम नहीं लगाया, इसने भी टाइम नहीं लगाया। इसने गाइस दिमाग खराब कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया जैसे इसका बड़ा चुप रहो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना। आप पूरा व्लॉग देखोगे आपको पता चलेगा मैं हम लोग कितना काम कर रहे थे। मैं रोटी बना रही थी, ठीक है ना, कुछ ना करती है, कुछ ना करती है, वो कपड़े धो रही थी। अगर आपने वो क्लिप काट दी ना इनको, गाइस आज के बाद मैं ले जाना बंद कर दूंगा सब्जी को घुमाना ही नहीं, क्योंकि काम कर रही थी, मेरा खून जल चुका। मैंने सोचा था मैं बकस दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं बताऊंगा ही नहीं, पर मेरे अंदर जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी ना इतना गुस्सा चढ़ गया मेरे को एकदम से। मैंने कहा मेरे को अंदर से एक मिनट, मेरा भाई बताएगा, दुख निकल रहा है मेरा। भाई क्या बताएगा, भाई बता दे भाई। बहुत टाइम लगा है इसने, इसको बहुत से ज्यादा बहुत टाइम लगा है, देख ले भाई ने बता दिया। चिंकी से भी पूछ ले, चिंकी भी बता देगी यार। चिंकी एकदम सुन बैठी है, चिंकी कह रही लड़ाई चल रही है, चुपचाप बैठी है, हिली भी नहीं। तो गाइस देखो अभी हमारे सामने ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है आपको, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारे दिल्ली का टीवी टावर। अब इसको टीवी टावर क्यों कहते हैं मेरे को पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद इसके साथ ही शायद सिग्नल चलते होंगे। दिल्ली में जो टीवी वीवी का जुगाड़ है इसके थ्रू ही चलता होगा। अरे दूरदर्शन चैनल जो है इसी से चलता है। तो जो नेशनल टीवी चैनल है, मतलब नेशनल जो हमारा गवर्नमेंट का चैनल है दूरदर्शन, वो इसी से चलता है। बोल तो दिया तू, क्यों पीछे पकड़ाओगे? हम आ गए हैं NSP, और यहाँ का हाल देख लो, मोगेम्बो को घेर लिया है बंदों ने,
बोल रहे हैं भाई मिक्स सॉस पास्ता शेक ये वो, तो कैसा लग रहा है आपको, ऐसे एकदम कैसी फीलिंग आ रही है? तो गाइस अभी हम रुके थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, पता नहीं क्यों इतनी भीड़ लगा दी यार इन्होंने, सारे के सारे मेन्यू लेके आ गए, समझ ही ना आ रहा था, जैसे पता नहीं पहचान लिया, वैसे तो पहचानते तो कोई ना होगा मुझे, बस समझ ना आया ऐसे क्यों घेर लिया, कोई ना पहचानता, कोई ना पहचानता भाई, पर ठीक है। नहीं नहीं उन्होंने ये पहचान लिया कि बंदे का पैसे होंगे। हाँ तो गाइस पूरे रास्ते से इस चीज के लिए ड्रामा करती आ रही है लड़की। अच्छा होता है यहाँ का, ठीक है ना? अच्छा होता है, देखना तो सीख ले। आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे खाने के लिए, आपका मन करे तो दिल्ली वाले एनएस भी आ सकते हैं। हाँ स्पाइसी है इसलिए मैं बैठ गई आराम से, स्पाइसी है मेरे लिए। मुँह जल गया इसका, नहीं खाना। मैगी खाएगी चिंकी? हैं चिंकी गाइस अपना देसी अवतार में आ गई है। ये देखो कह रही है चम्मच चम्मच बाढ़ में जाए, अब तो मेरे ऐसे ही आन दो। गाइस हमारा लाफिंग बुद्धा प्राइवेट पर्सनल लाफिंग बुद्धा, शक्ल दिखाई और अपनी। तो गाइस अभी लगभग लॉकडाउन पूरा खुल चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है पब्लिक प्लेस पे पहले की तरह, और लोगों ने मास्क हटाना बंद कर दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो, थोड़ा देख के। गाइस हमारे साथ आए हुए हैं तीन बड़े बच्चे जिनको संभालना आसान है, फिर हमारे साथ आए हुए एक हैवी वेट चैंपियन। इसकी हरकतें दुनिया से ही अलग है, कभी ये भाग जाती है इसको ढूंढना पड़ता है, कभी देखो कहाँ चढ़ रही है, किसी चीज़ का डर नहीं है इसे, देखो। इसको एक घंटे तक देखना पड़ता है कि कोई हरकत ना कर रही हो, और तो जैसे छोड़ते ना उतर कर भाग जाती है, देखो। चलो रे हो आइए, यहाँ बारात में बैठी है, चल खड़ी हो, यहीं रहेगी। ठीक है गाइस इसको यहीं पे छोड़ देते हैं आज, ठीक है, आज के बाद ही आपको व्लॉग में देखने को नहीं मिलेगी इसको, किसी को ये सीढ़ियों पे, आज से इसका घर यहीं पे है। चिंकी छोड़ दे। चिंकी छोड़ दे, चिंकी छोड़ इसको। अभी मेरे साथ आपको तीन जने दिख रहे होंगे, चौथा जना ये रहा, ठीक है, छोटा सा दिखता नहीं है बीच बीच में, और इस बंदे को लाना आज से हम बंद कर देंगे इसको, ठीक है। पूरे टाइम इसने एक ही काम करा, रील्स बना दो मेरी यहाँ पे रील्स बना दो, ये वाली रील्स बना दो, वो वाली रील्स बना दो, ये इसीलिए आते हैं कि इसकी रील्स बन जाए हम पास, इसका और कोई टारगेट नहीं है। तो जब हम आए हैं घूमने तैयार होके तो रील्स भी ना बनाए, तैयार होके वाह तेरा तो तेरे और भी तो आ रखे हैं। तो भाई मेरे को बनानी है, मेरे को शौक है, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ आप इतना काम भी नहीं, कहीं भी बैठ जाओ कुछ खा रहे हो, यहाँ खाने वाली रील्स बना दो, यहाँ बैठने वाली रील्स बना दो, यहाँ स्लो मोशन वाली रील बना दो, यहाँ भागने वाली रील बना दो। मैं सोच रहा था मैं व्लॉग शूट करना आया हूँ, इसकी रील बनवाने के लिए आया हूँ। ये गाइस मेरे को यूट्यूबर से टिकटॉकर बनवाएगी। देखो भाई बात ऐसी है, बेइज्जती तो मेरी बहुत हुई है पहले भी, ऐसी बात नहीं है, पर इतनी बेइज्जती एक साथ कभी नहीं हुई मेरी, इतनी बेइज्जती जो इन्होंने आज करी है ना, बहुत ही ज्यादा कर दिया, और इसका बदला ना मैं लेके रहूंगी किसी ना किसी दिन। अब अगली बार ये बोलेंगे ना कि क्या कहते हैं व्लॉग बनाने जा रहे हैं, मैं आऊंगी ही नहीं, मत आइए, कोई जरूरत नहीं है देश को तेरी, कोई जरूरत नहीं है देश को तेरी, मैं अपनी मर्जी से आऊंगी, मैं इनकी मर्जी से कभी नहीं आऊंगी, अब ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है देश को तेरी, देश को जरूरत नहीं है मेरी, अच्छा हां कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है लेकिन, ठीक है ना, ठीक है, क्या बोल रहा है, घर वाले भी मना कर रहे हैं, घर वाले भी मना कर रहे हैं कि मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। अब ये मेरा आखिरी व्लॉग है, देखो अब मैं नहीं आऊंगी, सीधी बात है, अब तुम बता देना कमेंट करके कि आना है कि नहीं, वरना मैं नहीं आऊंगी, सीधी बात है। हमने बता दिया, घर चलने का टाइम हो गया, और ये गोदी में से उतर उतर के भाग रही है, कह रही है मेरे को घर जाना ही नहीं है, इसे हम जबरदस्ती लेके, और वो देखो दो भूल गए, वो दोनों भाई बहन अलग ही उनका डिस्कशन चालू, इनसे पूछते ही नहीं छोड़ देते। अच्छा हम सोच रहे थे हम घर जा रहे हैं, नहीं अभी मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, दोनों भाई बहन अलग ही डिस्कशन में लगे, क्या रील्स बनाने के लिए बोल रहे हो? यार मेरी बात सुन लो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं फोटो खींचने के लिए बोल रही थी, मैंने रील्स के लिए। चलो गाइस जो भी आपको पता ही है लड़कियाँ कितनी झूठी होती हैं, उन्हीं में से ये भी है, ये सच्ची है। गाइस देखो मैं आज सुबह 7 बजे उठ गई थी, हाँ अब ये पूरा बता देगी, दिल पे लग गई है बात इसके, सच्ची बोलते के साथ ही।
कि सुबह 7 बजे उठ गई थी, झाड़ू मार दिया था, पोछा मार दिया। गाइस फाइनली झगड़ा तगड़ा करके यहाँ से किसी तरह हम निकल चुके हैं, और हमने जो हमारे साथ वो परेशान कर रही थी लड़की उसको हमने छोड़ दिया है। देखो गाड़ी में है नहीं, कोशिश करी हमने छोड़ने की पर जबरदस्ती घुस गई गाड़ी में। चिंकी चिंकी तो आ गई है गाइस पर। और अभी जब हम निकल रहे थे ना तो मम्मी का आया लेटेस्ट फोन, मम्मी ने कुछ सामान मंगाया, तो अभी हम जा रहे हैं वो सामान खरीदने के लिए। क्या ढूंढने के लिए निकले हम, क्या बोलते हैं उसको, आग लगाने वाला, बर्नर लेने के लिए, आग लगाने वाला चूल्हा, बर्नर, ठीक है। तो मम्मी का फोन आया था कि बेटे चूल्हा खराब हो रहा है, नया चूल्हा लेते भाई हो। तो खुशकिस्मती से दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, तो इन लोगों की राय ले लेंगे, और जो इनको पसंद आएगा वो बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। चिंकी क्या चाहिए, चिंकी ये चाहिए सफ़ेद वाला, वाइट वाला। तो भाई साहब फाइनली बर्नर ले लिया गया, पैक हो रहा है यहाँ पे, और भाई साहब छोड़ने चल रहे हैं हमारे साथ। मैं घर तक चल लूँगा भैया, यूट्यूब पाने वाला है बंदा। तो फाइनली माता जी के लिए बर्नर अब तैयार है। वैसे यार इनको अपने साथ लाने का एक फायदा तो हुआ, और फायदा वो ये हुआ कि ये कॉपीराइट क्लेम लगवाने में लगी हुई है, पीछे से गाना बजा रही है, मन कर रहा है इसकी चांटा मार दूं। ये वाली लड़की देखो, ये रही, ये बस रील्स बनाती है और गाने बजाती है, देखते मेरी रील्स कैसी बनी, और फिर ये पीछे से चलाती है, पता नहीं कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लेकिन देखो ये क्या कर रही है। इसने नया सीख लिया, जैसे ही कैमरा ऑन हो जा रहा तो अलावा ये करना है। चिंकी सुन, इधर सुन, उधर मत देख। तो गाइस अबे इधर देख चिंकी, इधर देख। तो देखो अभी मैटर ये है, थप्पड़ मार दूंगा तेरे, समझ गई। अभी मैटर ये है कि इनको घर छोड़ने का टाइम आ गया है। तो गाइस मिलेंगे इन लोगों से वापस बहुत जल्दी, इनका घर आ गया और तेरा भी घर आ गया, ठीक है, तू भी इनके साथ ही रहती है, तेरा भी घर आ गया, तू भी निकल ले। चिंकी तू तो मेरे साथ चलेगी ना, नहीं है? नहीं। मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत ही जल्द शायद आपको एक नया मेंबर और दिखेगा हमारे साथ। अच्छा गाइस बाय बाय, वो कौन होगा, बट आप वेट करो, थोड़े दिन में शायद आ जाए। वो आ सकती है या आ सकता भी है, सकती है, आ सकता, सकती, you know, रिश्तेदार तो नहीं है, बन जाए रिश्तेदार शायद। जल्दी आने वाला है वो इंसान, और अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय। अरे अभी भाई बाय बाय बोलने का टाइम नहीं, अभी मैं व्लॉग कंटिन्यू है, घर जाके शूट करूंगा मैं। सॉरी ये कह रही है अभी व्लॉग बंद कर देती हूँ, कह रही कहाँ से होता है, अभी मार देती है, मगर चल निकल यहाँ से, चलो बाय बाय। मम्मी को बोलना, मम्मी आपके लिए जबरदस्त आग लगाने वाली चीज लाया हूँ। मम्मी कहेगी क्या, मम्मी चूल्हा। चूल्हा खोल के देख लिया, और खोलते के साथ ही हमारे बड़े भाई साहब ने रिजेक्ट कर दिया चूल्हा, कह रहे हैं चूल्हा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, कह रहे हैं मेरे को बड़े वाला चाहिए, चार मुंह वाला, ठीक है भाई, चार मुंह वाला चाहिए। तो इसको अभी वापस पैक कराएंगे, मम्मी को तो पसंद आ रहा था। अभी तीनों भाई हम पहुंच चुके हैं दुकान के मालिक के पास, ठीक है, दुकान का मालिक अभी सामने है। बड़े भाई साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आया डबल बर्नर वाला, भाई साहब कह रहे चार बर्नर वाला ही चाहिए, और थोड़ी सी टेंशन भी हो रखी है, पता नहीं अभी ये चेंज करेंगे नहीं करेंगे। गाइस फाइनली चूल्हे का इंस्टॉलेशन हो गया है, पुराना चूल्हा हटा दिया गया है, और भाई साहब कह रहे थे चार बर्नर वाला लाऊंगा, लेकिन वहां जाके सरेंडर कर दिया, कह रहे तीन तीन स्लैब छोटी पड़ रही थी हमारी, तो इसके वजह से हम तीन बर्नर वाला ही लाए। तो गाइस मम्मी हमारी आ चुकी है नीचे से घूम घाम के, ठीक है, मम्मी को नीचे घूमना बहुत पसंद है, जब तबीयत खराब होती है तो बेड में रहती है, और जैसे तबीयत ठीक हो जाती है फिर सीधा घर में ही नहीं रहती है। तो मम्मी चूल्हा कैसा लग रहा है? सब सही है, सब सही है, पैसा बहुत लग गया, मम्मी को बस ये टेंशन रहती है कि पैसा लग गया है ना। मम्मी 500 रुपए का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, मम्मी तो पागल है। 300 रुपए का मम्मी। तो ठीक है गाइस, ये था हमारी मम्मी का रिएक्शन, उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द एक और शानदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप सब अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने माता पिता का।